नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे आदिवासी समुदाय के लोग। आदिवासी सेगेल अभियान की ओर से सरना धर्म कोड मान्यता सहित आदिवासी हित में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। शहर में बंद बेअसर रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत बंद का असर देखने को मिला। बता दें, शहर में दुकानें आम दिनों की तरह ही खुली रही, जबकि शहरी यातायात व्यवस्था पर भी बंद का असर देखने को नहीं मिला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर उतरे और जगह जगह सड़कों को जाम किया, जिसकी वजह से सड़क की दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भारत बंद के तहत बोकारो के पेटरवार एवं जरीडीह प्रखंड में आदिवासी सेगेल अभियान के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने सड़क जाम किया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने जरीडीह प्रखंड के जैना मोड़ फुसरो मार्ग को तुपकाडीह में जाम किया। 60-40 नियोजन नीति का छात्र कर रहे विरोध। झारखंड में 60-40 नियोजन नीति को लेकर झारखंड के छात्रों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। स्टूडेंट नेता बार बार इसे लेकर सरकार को चेतावनी देते हैं। हाल ही में छात्र संगठनों ने इसके विरोध में 2 दिनों तक झारखंड बंद का आह्वान किया था। इससे पहले भी कई बार छात्र सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं इस मामले पर राज्य की सियासत भी गरमाई हुई है। भाजपा के नेताओं ने भी सदन के अंदर और बाहर खूब प्रदर्शन किया था। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि 60-40 नियोजन नीति क्या है। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने बीते साल 2022 में हेमंत सरकार द्वारा बनाई नई नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दे दिया था। इसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इसके बाद सभी छात्र विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों को आश्वस्त किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देंगे। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद वर्तमान सरकार ने साल 2016 वाले नियोजन नीति के नियुक्ति कराने का फैसला लिया। इसके मुताबिक नौकरियों में 60% सीट झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित रहेगी और 40% ओपन टू ऑल है। रांची में तपती धूप में स्कूल जाते दिखे मासूम बच्चे। पूरे राज्य में मौसम के लगातार बदल रहे तेवर ने आमजनों की जहां परेशानी बढ़ा दी है, वहीं जिला प्रशासन और स्कूल प्रबंधन ने छोटे छोटे बच्चों को राहत दी है। वहीं दूसरी ओर शहर के कई स्कूल गुरुवार से ही खोल दिए गए हैं। गर्मी के बीच छोटे छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जाया है। यहाँ तक कि प्ले स्कूल को भी खोल दिया गया है, जिससे बच्चों को बीमार होने की आशंका है। बता दें कि लिटिल मेलिनियम DPS रांची संत थॉमस स्कूल समेत कई अन्य स्कूल ने बच्चों को बुला लिया है, जबकि गर्मी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर रही सरकार। झारखंड में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में आज से कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वे शुरू किया गया है। इसके लिए बुधवार को स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया था। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे कुष्ठ रोग के किसी भी लक्षण को बताने में संकोच ना करें। यह बीमारी पूरी तरह से खत्म होने वाली बीमारी है। जानकारी के मुताबिक जामतरा में 15 जून से 30 जून तक कुष्ठ रोगी की पहचान के लिए घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इसके लिए ANM सहाया एवं सहाया साथी को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं 2 से 4 जुलाई तक पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। वीडियो ने कहा है कि सभी समय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। लाइब्रेरी का छज्जा गिरने से मौत मामले में छात्र के परिवार को 4 लाख और एक सदस्य को नौकरी। रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में बीते दिन बुधवार को छज्जा गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सभी उग्र छात्रों ने तुरंत सड़क जाम कर दिया और इस घटना का विरोध करने लगे। बता दें, घटना के बाद काफ़ी देर तक छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा और छात्र रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजे की मांग भी की। बता दें, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा विरोध कर रहे छात्रों से मिलने करीब 3 बजे पहुँचे और परिजनों के साथ शोक व्यक्त किया। साथ ही कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। एक पत्र जारी कर यह भी लिखा गया है कि योग्यता के आधार पर मृतक के किसी एक परिजन की विश्वविद्यालय में अनुबंध पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
झारखंड पुलिस महिलाओं युवतियों को न्याय दिलाने में फेल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के साथ विभिन्न जिलों की आपराधिक घटनाओं सहित अन्य मुद्दों की समीक्षा करेंगे। इसमें प्रमुख मुद्दा महिला और युवतियों से जुड़े आपराधिक मामले भी हैं। बता दें, इसके खिलाफ जो आपराधिक घटनाएं होती है उसमें पुलिस केस दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, लेकिन आरोपियों को सजा दिलाने में न्याय में विफल हो रही है। बलात्कार और पोस्को एक्ट से जुड़े केस में भी बड़ी संख्या में आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। इस बात से स्पष्ट है कि केस के अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य न्यायालय में पुलिस द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। वहीं बड़ी संख्या में आरोपियों के इतने गंभीर मामले में रिहा होने से यह भी स्पष्ट है कि पुलिस के अनुसंधान का स्तर मानक के अनुसार नहीं है। गंभीर अपराध के मामले में समझौता या गवाह के होस्ट लाइन हो जाने की वजह से भी कई केस ट्रायल के दौरान फेल हो गए। चतरा में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या। चतरा जिला लवालौंग थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया है। हरगड़ी पोटम जंगल से चतरा पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें, घटना को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हत्या करने से पहले छात्रा से दुष्कर्म किया गया। हालांकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इधर घटना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाबालिग कस्तूरबा विद्यालय लवालौंग की 11वीं की छात्रा थी। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में गर्मी छुट्टी होने के कारण छात्रा अपने घर पर थी। बुधवार को वह घर से डोर ही सुनने गांव से कुछ दूर गई हुई थी। 16 जून को होगा रांची रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की 10 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव 16 जून को होगा। बता दें, रांची के उपायुक्त ने इस चुनाव के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी वज्रलता को निर्वाची पदाधिकारी बनाया है। वर्ष 2023 से 26 तक के कार्यकाल के लिए होने वाली नई कार्यकारिणी के लिए कुल 20 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवारों का चुनाव रांची इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के करीब 800 सदस्य वोटर के माध्यम से करेंगे। बता दें, रांची इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के लिए होने वाली चुनाव में उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इसमें टीम परिवर्तन के उम्मीदवारों का नाम भी है। रांची में जगन्नाथपुर रथ मेले को लेकर डीसी ने दिए दिशा निर्देश। जगन्नाथपुर रथ मेले में विधि व्यवस्था बेहतर करने को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंदिर समिति सदस्यों सहित विभागीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जगन्नाथपुर रथ मेले में सुरक्षा सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर उपायुक्त ने दिशा निर्देश दिए। बता दें, बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त ने सभी समितियों के सदस्यों से मेले के आयोजन के संबंध में जानकारी ली। समिति के सदस्यों ने अपनी आवश्यकताओं के संबंध में डीसी को अवगत कराया। मेले के सफल आयोजन हेतु उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों से विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। मुंबई में विधायकों का महाकुंभ, झारखंड सहित देश भर के जुटेंगे एमएलए। माया नगरी मुंबई में आज से विधायकों का महाकुंभ लगने वाला है। बता दें, 18 जून तक चलने वाले इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन एमआईटी पुणे और यूनेस्को के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें झारखंड सहित देश भर के 200 से ज़्यादा विधायक, स्पीकर, पूर्व स्पीकर भाई भाग लेंगे। बता दें, झारखंड से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व स्पीकर सह रांची के विधायक सीपी सिंह, विधायक इरफान अंसारी सहित करीब 40 विधायक इसमें शिरकत कर रहे हैं। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस तरह के सम्मेलन के संरक्षण लोकसभा के पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, मनोहर जोशी और शिवराज पाटिल हैं। इस सम्मेलन के कन्वेनर राहुल वी कनाड हैं। झारखंड कांग्रेस में घमासान, मंत्रियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के साथ साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी बदलाव की चर्चा हो रही है। दरअसल, हालिया दिनों में झारखंड कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और विधायकों ने दिल्ली जाकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की है। इसे झारखंड में मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से पहले अपनी अपनी संभावनाएँ तराशने की कयाद के तौर पर देखा जा रहा था। गौरतलब है कि बीते 6 अप्रैल को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री झामुमो कोटे से उनकी जगह किसी को मंत्री बना सकते हैं। सीएम हेमंत आज लॉ ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कानून व्यवस्था के मसले पर लगातार विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि झारखंड पिछले कुछ समय से विधि व्यवस्था के मसले पर जूझ रहा है। हालिया कुछ महीनों में रेप, गैंगरेप, छिनताई, लूट, चोरी और हत्या की वारदातें हुई है।
कहा जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री राज्य में नक्सल समस्या, संगठित अपराधी गिरोह की गतिविधियों और उनके उन्मूलन, अवैध खनन और नारकोटिक्स सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।